भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण पर उत्तर प्रदेश के देवबंद में हमला हुआ है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है। वह दिल्ली से सहारनपुर के लिए जा रहे थे। हरियाणा नंबर की कार से आए हमलावरों ने चंद्रशेखर पर 4 राउंड गोलियां चलाई। गोली उनके पेट से छूते हुए निकल गई। फायरिंग में आजाद की कार के शीशे भी टूट गए। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस घटना के बाद से विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने ट्वीट कर लिखा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अराजक तत्व अपने सभी हदों और सरहदों को तोड़ने लगे हैं। यूपी में विपक्ष अब सत्ता और अपराधियों दोनों के निशाने पर है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हुआ जानलेवा हमला प्रदेश के खोखले हो चुके कानून व्यवस्था के लिए एक अलार्म है। जाग जाओ सरकार। वही किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि भीम आर्मी के प्रमुख और राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला कायराना हरकत है। उत्तर प्रदेश सरकार दोषियों को चिन्हित करके सख्त कार्रवाई करे। हम ईश्वर से उनके सकुशल व शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। गाड़ी जो है वो आगे की तरफ भागी थी या पीछे? आगे की तरफ भागी, मतलब सहारनपुर की तरफ। सहारनपुर की तरफ, ये जो रोड सहारनपुर जाता है गागा लड़ी वाला, ये जो हाईवे है इसी की तरफ भागी। वो नीचे नीचे ही थी, उसी से भागी। हमने यू टर्न लिया। आपके साथ कुल कितनी गाड़ियाँ थी? आप लोग कितने लोग थे? अकेली गाड़ी थी उस समय हमारी। अच्छा। हमारे साथ के लोग शायद आगे पीछे थे। मतलब आपके साथ आप जब थे तो अकेले ही अपनी गाड़ी? हमारी गाड़ी थी, शायद मौर्य जी और बजपाल जी गाड़ी पीछे रही होगी हमसे। अच्छा। हाँ, वो भी हमारे साथ ही, तो उनकी गाड़ी भी आगे पीछे रही होगी। नहीं, आपकी गाड़ी में तो 4 लोग बैठे थे ना? 5 थे। ड्राइवर को लेकर के? हाँ, ड्राइवर नहीं, भाई है छोटा, 5 लोग उसके। अच्छा, साथ मनीष हाँ भाई आपका? हाँ, छोटा। अच्छा अच्छा। तो फिर वो पीछा नहीं किया गया उसका किसी ने? आपके साथियों में किसी ने पीछा नहीं किया था गाड़ी? मैंने यू टर्न ले लिया, फिर मुझे जानकारी नहीं क्या हुआ। अच्छा, और किसी को भी गोली लगी है आपको? नहीं, हमारे साथी डॉक्टर साहब को शायद जो है उनको मैंने देखा कि जब मैं, मुझे सही तरह से याद था तो उनके हाथ से खून चल रहा था। अच्छा। उनको लगी है शायद। किसको? डॉक्टर बजपाल जी को। और आपके पास ही होंगे आप जानकारी, तो मुझे इतना याद नहीं क्योंकि मुझे थोड़ा घबराहट हुई अचानक जब गोली चली। तो मैंने फिर एक सहारनपुर के एक वरिष्ठ अधिकारी को मैंने फ़ोन किया और मैंने उनको जानकारी दी कि भाई ऐसे ऐसे गोली चली है। किसी के ऊपर कोई शक कोई बात? मेरा किसी से कोई झगड़ा ही नहीं है भाई। अच्छा।